हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शुभानिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक बेसिक आईलाइनर की हेल्प से बोल्ड और ड्रामेटिक आईलाइनर लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं जो आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये लैक्मे इंस्टा आईलाइनर है, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल लिक्विड आईलाइनर है। अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने ब्रश में निकालेंगे और ब्रश को चारों तरफ से क्लीन कर देंगे। अब हमें सिंपली अपनी आई के पैटर्न को फॉलो करना है। जो भी हमारी आई का शेप है, बस हमें उसे ही आउटलाइन करना है। यहाँ पे हम बहुत ही थिन लाइनर लगाएंगे, सो दैट जब हम आगे इसे विंग आउट या फ्लिक आउट करें तो हम उस हिसाब से अपने आईलाइनर को मोटा या पतला कर लेंगे। अब हम अपनी आई के इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ एक बहुत ही इवन सी लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे, जिसे मैं आउटलाइनिंग कह रही हूँ, हमारी आई के शेप की आउटलाइनिंग। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल आईलाइनर है, जो कि आप डेली बेसिस पर लगा सकते हैं। बिल्कुल ही सिमिलर पैटर्न पे हम अपनी दूसरी आई को भी लाइनिंग कर लेंगे, आउटलाइन बना लेंगे। तो अब बारी है विंग क्रिएट करने की। इसके लिए हम अपने आउटर कॉर्नर से, अपने आई के आउटर कॉर्नर से एक बहुत ही स्ट्रेट सा फ्लिक ड्रॉ करेंगे। अब इस फ्लिक को हम, जो हमने आउटलाइनिंग करी है अपनी आई की, उसमें मिला देंगे। इसे हम अपने आई के शेप के अकॉर्डिंग मिलाएंगे, सो दैट हमारा जो फ्लिक निकला है वो बहुत ही शार्प दिखाई पड़े। सिमिलरली हम अपनी दूसरी आई में भी ड्रॉ कर लेंगे। नाउ आप देख सकते हैं ये कितनी ईजिली, बिल्कुल ही स्ट्रेट फ्लिक हमारा बन गया है। अब हम इसे और अच्छा दिखाने के लिए हमारे आउटर कॉर्नर से जो हमारा फ्लिक निकला है, उसको हम अपनी वॉटर लाइन की तरफ थोड़ा जॉइन कर देंगे। अगर आपके पास काजल है तो आप इसे काजल से भी कर सकते हैं, लाइनर से करना चाहते तो आप लाइनर से भी कर ले सकते हैं। अगर आपने काजल इस्तेमाल किया है तो इसे स्मजर की हेल्प से स्मज कर ले, ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। अब एक पतला सा कोट मस्कारे का लगा के आप अपने आई लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ वो हम इसी के आगे बिल्कुल फॉलो करेंगे। हम अपना लाइनर या फिर काजल लेके इसे कंप्लीट, अपने वाटर लाइन को कम्प्लीटली लाइनर की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हम काजल लगाते हैं उस तरीके से। और इसे भी हम बहुत ही इवन कर सकते हैं, अगर हम पतला चाहते हैं तो पतला कर लें, या हम मोटा चाहते हैं तो हम इसे मोटा भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, उतना मोटा लगाने से हमारी आँखें बहुत बड़ी और खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं। सिमिलरली हम अपनी दूसरी आँख में भी कर लेंगे। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये कितना बोल्ड और ख़ूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितना शार्प है ये। अब हम आपको तीसरा तरीका बताएंगे, जिससे आप अब इसी आईलाइनर को और ख़ूबसूरत और अपनी आंखों को और बड़ा और शार्प बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आई के इनर कॉर्नर से बस थोड़ा सा इसे फ्लिक आउट करना है बाहर की तरफ, और इंस्टेंटली आप डिफरेंस देखेंगे कि हमारी दोनों आंखों में कितना डिफरेंस लगने लगता है। ये हमारी आंखों को बहुत ही बड़ा और ज़्यादा डायमेंशनल दिखाने लगता है, और बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही ख़ूबसूरत लुक है। आप इसे करके देखें। यह हमारा बोल्ड और ड्रामेटिक आईलाइनर लुक क्रिएट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके का कैट आई विंग आईलाइनर में हम कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आउटर आई कॉर्नर से एक फ्लिक निकालना है, जो कि हमें आईब्रो, जहाँ पर हमारे आईब्रो एंड होता है, वहाँ उस डायरेक्शन में निकालना है। और अब हम इसे अपने आईज़ के तरफ जॉइन करेंगे, जो हमारी आईलिड पे हम जहाँ पर आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पर इसे हम जॉइन करेंगे। अब इसे हम धीरे धीरे हमारे मिड ऑफ द आई तक लेके जाएंगे, और जो भी स्पास एरिया है उसे पहले हम फिल इन कर देंगे इस तरीके से। सारे स्पास एरिया फिल करने के बाद हम इसके विंग पे ध्यान देंगे। अगर विंग हमारा कम एजी है तो हम इसे थोड़ा और शार्प कर देंगे, और इसे हम अपने मिड ऑफ द आई तक
लेकर जाएंगे और मिड ऑफ द आई से जो हमने बहुत ही थिन लाइनर लगा के उसे ज्वाइन करके और सारे स्पास एरिया फिल इन कर देंगे और इस तरीके से बिल्कुल ही इवन और स्मूथ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा विंग्ड क्रिएट हो चुका है। ये हमारे दोनों विंग बिल्कुल सिमिलर हैं। अब हम एक मस्कारे का कोट लगा के अपने आईलैश को थोड़ा थिक कर लेंगे सो दैट हमारा ये विंग आईलाइनर लुक बहुत अच्छा लगे। एक दो कोट मस्कारे की लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा विंग आईलाइनर तैयार है, बिल्कुल कैट आई, बहुत ही खूबसूरत। आप इसे एक ट्राई ज़रूर दें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।